हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी समूह की कंपनियों के शेयर के भाव 85% तक नीचे गिर गए थे। वहीं अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 147 अरब डॉलर तक लुढ़क गया था। खुद गौतम अडानी का नेटवर्थ 127 अरब डॉलर से लुढ़क कर 31 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। जो गौतम अडानी कभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति हुआ करते थे, वो गिरकर 37वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन एक महीने की गिरावट के बाद अडानी के शेयरों में एक बार फिर तेजी लौटने लगी है। पिछले 10 दिनों से अडानी के शेयर में तेजी लौटी है। 10 में से अधिकांश शेयर चढ़ने लगे हैं। ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस जैसे शेयरों में अपर सर्किट लगे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा और अडानी के शेयरों में गिरावट आने लगी। लेकिन एक समय के बाद लगने लगा कि इस गिरावट की कोई ठोस वजह रह नहीं गई है। अडानी का कारोबार काफ़ी मजबूत है, अडानी की कंपनियां मुनाफे में हैं, खासकर अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर का बिजनेस काफ़ी मजबूत है और अपने सेक्टर में इनकी मोनोपोली है। अगर अडानी पोर्ट्स की ही बात करें तो भारत का 25% से ज़्यादा पोर्ट कारोबार अडानी समूह के पास है। वहीं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अब तक दूसरी कंपनियां अपनी मौजूदगी तलाश रही हैं। अडानी ग्रीन का कारोबार 12 राज्यों में फैला है। अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 20,000 मेगावाट की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा रेटिंग एजेंसियों ने पहले अडानी समूह को झटका दिया, लेकिन फिर स्थिति को एनालिसिस करने के बाद अडानी की रेटिंग में सुधार कर दिया। फिच, मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के कारण निवेशकों का एक बार फिर भरोसा अडानी समूह पर बढ़ा। अडानी समूह पर कर्ज को लेकर भी पहले बातें होती रही हैं। हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गौतम अडानी की कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा कर्ज है, लेकिन SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अडानी के कर्ज के खतरे के निशान से नीचे बताया। बैंकों की सफाई ने भी निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप की कंपनियों पर बढ़ाने में मदद की। मुश्किल वक्त में अडानी के लिए अमेरिका से भी बड़ी खुशखबरी आई। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG ने अडानी समूह की चार कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया। बुटिक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा कि अडानी समूह के पास मजबूत कारोबार, अनुभव और आकर्षक वैल्यूएशन वाले एसेट्स हैं। कंपनी की स्थिति अच्छी है, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए समय से पहले कर्ज चुकाने पर भी काम शुरू कर दिया। ये तमाम ऐसी कवायतें थी जिन्होंने मिलकर अडानी समूह की स्थिति को, उनके शेयर्स को एक बार फिर सुधारने में, ऊपर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की तमाम कंपनियों के जो शेयर लगातार नीचे जा रहे थे, उनकी स्थिति पिछले 10 से 15 दिनों में एक बार फिर सुधरने लगी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।